हेलो गाइज, आज मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी भी पुराने डॉक्यूमेंट को आप किस तरीके से रिपेयर करके नए में कन्वर्ट करेंगे, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को पूरा प्रोसेस बताने वाला हूं। तो गाइज, अगर आपके पास भी इस तरीके का पुराने डॉक्यूमेंट है और आप उसको प्रिंट करना चाहते हैं नए में कन्वर्ट करके और बिल्कुल एकदम क्लियर प्रिंट होगा, तो आज की इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। अगर आप भी अपने पुराने डॉक्यूमेंट को नए में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले गाइज आप लोगों को स्टार्ट मेनू में आना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। यहाँ पर देख सकते हैं मेरे कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इंस्टॉल है और उसके वर्जन है 2019। तो अगर आपका 10 भी है, 7 भी है, फिर भी उसमें आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से ओपन होने के बाद आपको ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर क्लिक करना है। उसके बाद गाइज आप यहां से लेआउट पे सबसे पहले क्लिक करेंगे और साइज पर क्लिक करके आप यहां पर चेक कर लीजिए क्या आपका A4 शीट सिलेक्ट है या नहीं, क्योंकि जो भी आप प्रिंट करेंगे वो आप प्रिंट करेंगे, इसीलिए सबसे पहले आप A4 शीट को यहां से सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो देख सकते हैं ये A4 शीट मेरा आ चुका है। और सबसे पहले गाइज आप लोगों को इंसर्ट टैब में आना है और पिक्चर पर क्लिक करके आप उस पिक्चर को यहाँ पर सिलेक्ट कीजिए जिस भी पिक्चर को आप नए में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे इमेजेस 2 नाम से एक डेस्कटॉप पे इमेजेस है, तो मैंने उसको यहाँ पर ऐड कर चुका हूँ। ऐड करने के बाद गाइज यहाँ पर सबसे पहला काम करना है आपको, यहाँ पर देख सकते हैं रैप टेक्स्ट आपका एक ऑप्शन मिलता है, तो आपको इस पर सबसे पहले क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करना है, इससे क्या होगा कि आप इसको कहीं भी ईजिली एडजस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको इस शीट के अनुसार आपको एडजस्ट कर लेना है इस पेज को। तो इस तरीके से गाइज मेरा पेज देख सकते हैं, मैंने A4 शीट पर इसको एडजस्ट कर चुका हूं। अब अगर आप साइड से और ऊपर से काटना चाहते हैं जो कि ये अनवांटेड जो आपको दिख रहे हैं यहां पर, सबसे पहले आपको इस पर डबल क्लिक करना है और डबल क्लिक करने के बाद इसको अगर आप क्रॉप करना चाहते हैं तो क्रॉप पे क्लिक करके क्रॉप को सिलेक्ट कीजिए और ऊपर से इतना कट कर लीजिए, साइड से भी आपको इतना कट कर लेना है, देख सकते हैं नीचे से भी आपको इतना दूर कट कर लेना है। उसके बाद आपको कीबोर्ड से इंटर बटन को प्रेस करना है और गाइज यहाँ पर देख सकते हैं कि ये इजिली हमारा हो चुका है। तो चलिए हम इसको फिर से बीच में एडजस्ट कर लेते हैं। देख सकते हैं गाइज ये एडजस्ट हो चुका है। इसके बाद आपको काम करना है, इस इमेजेस पर आपको डबल क्लिक करना है, इससे आपका फॉर्मेट पिक्चर यहाँ पर देख सकते हैं पिक्चर टूल फॉर्मेट आपका ये इनेबल हो जाएगा। तो इसके बाद गई सकते हैं पिक्चर स्टाइल ग्रुप पर आपको क्लिक करना है, यहाँ पर देख सकते हैं फॉर्मेट पिक्चर का एक छोटा सा आइकन यहाँ पर नीचे राइट साइड में नीचे आपको दिख रहा होगा, तो आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद गई यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको शो होगा, तो आपको यहाँ पर पिक्चर पर क्लिक करना है। पिक्चर पर क्लिक करने के बाद गाइज आपको पिक्चर करेक्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर आपका शार्पनेस, ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट ये ओपन हो जाएगी। तो सबसे पहले आपको इस डॉक्यूमेंट का शार्पनेस बढ़ा लेना है, देख सकते हैं इतना आप बढ़ा लें या थोड़ा सा कम कीजिए। देख सकते हैं ये शार्पनेस मैं इसका 31% कर चुका हूँ और ब्राइटनेस को भी यहाँ से थोड़ा इंक्रीज करते हैं। ब्राइटनेस को इंक्रीज करने के बाद आपको कॉन्ट्रास्ट भी थोड़ा सा इंक्रीज करना है। तो गाइज यहाँ पर देख सकते हैं कि ब्राइटनेस 42% और यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट मैंने 34% किया है और यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है टेक्स्ट, तो उसके लिए आपको ब्राइटनेस को थोड़ा कम करना होगा और कम कीजिए। इस तरीके से आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, मैं इतना रहने देता हूँ और शार्पनेस को गाइज थोड़ा मैं इसको इंक्रीज कर देता हूँ। देख सकते हैं गाइज यहाँ पर जैसे ही मैंने शार्पनेस को थोड़ा सा इंक्रीज किया, शार्पनेस को मैंने 61% किया और यहाँ पर देख सकते हैं कि टेक्स्ट एकदम अच्छे से विजुअल हो चुका है। थोड़ा और अच्छे से इसको हम करने के लिए थोड़ा सा और इंक्रीज करेंगे। गाइज यहाँ पर देख सकते हैं कि टेक्स्ट कितना ज़्यादा बोल्ड और एकदम क्लियर दिख रहा है। और फिर से यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा ऑप्शन जा चुका है, तो फिर से लाने के लिए आपको इमेज पर डबल क्लिक करना है और इमेज पर आपको क्लिक करना है
और ब्राइटनेस को अगर आप थोड़ा सा इंक्रीज करना चाहें तो फिर से थोड़ा इंक्रीज कर दीजिए। और गाइज आप देख सकते हैं कि ये इमेजेस की क्वालिटी कितना एकदम शार्पनेस हो चुकी है, एकदम क्लियर। आप इसको इजीली प्रिंट कर सकते हैं, देख सकते हैं इसमें कोई भी कहीं भी कोई भी डॉट वॉट नहीं दिख रहा है। अगर आपके पेज पे डॉट दिख रहा है साइड से, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर एक छोटा सा डॉट है, तो इस डॉट को अगर आपको रिमूव करना है तो उसके लिए गाइज आपको, चलिए हम इसको जूम आउट कर लेते हैं, सबसे पहले इसको बीच में अरेंज करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं इस पेज पे छोटा सा एक यहाँ पर डॉट आपको दिख रहा होगा, तो इसी तरीके से आपके पेज में डॉट है कहीं पे, कुछ और है, कलर आ गई है, तो उसको हटाने के लिए आपको यहाँ पे इंसर्ट पर क्लिक करना है और शेप पर आपको क्लिक करके एक रेक्टेंगल शेप यहाँ से ले लेना है और ऐसे ड्रॉ करना है। ड्रॉ करने के बाद गाइज आपको इस पर डबल क्लिक करना है और शेप फिल पर क्लिक करके आपको वाइट कर देना है और इसको बॉर्डर को फिर से यहाँ पे शेप आउटलाइन पे क्लिक करके नो आउटलाइन कर देना है। और गाइज देख सकते हैं कि यहाँ पर एक छोटी सी डॉट थी वो अब रिमूव हो चुका है। तो इसी तरीके से अगर आपका पूरे पेज पर छोटे छोटे डॉट्स हैं तो आप इस रेक्टेंगल बॉक्स को कॉपी कीजिए और जहाँ भी आपका है वहाँ पर पेस्ट कीजिए। जैसे कि नीचे देख सकते हैं कि हमारा थोड़ा सा बचा हुआ है ब्लैक कलर का, तो यहाँ पर हम उसको पेस्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पर पेस्ट किया और इसको नीचे ले आएंगे, देख सकते हैं मैंने यहाँ पर इसको एडजस्ट कर दिया और यहाँ से देख सकते हैं ब्लैक कलर जो था वो मेरा जा चुका है। तो इसी तरीके से अगर आपके पूरे पेज में गाइज ब्लैक ब्लैक डॉट्स हैं तो आप उसको इस तरीके से रिमूव कर सकते हैं और देख सकते हैं कि अब इसकी क्वालिटी कितनी अच्छी हो चुकी है, आप इसको ईजिली प्रिंट कर सकते हैं। तो प्रिंट करने के लिए गाइज सबसे पहले आप यहाँ पे सेव एज पे क्लिक कीजिए और आप इसको कहीं भी सेव कर लीजिए। चलिए मैं इसको डेस्कटॉप पर सिलेक्ट कर लेता हूँ डॉक्यूमेंट नंबर 1 से, और आप इसके जो भी फॉर्मेट रखना चाहते हैं रख सकते हैं। अगर आप गाइज इसे PDF में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप सबसे पहले वर्ड में यहाँ पर सेव कर लीजिए। और गाइज यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा जो PDF है वो यहाँ पर डॉक्यूमेंट में सेव होके आ चुके हैं। तो गाइज मैंने पहले एक वीडियो बना चुका डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में, जो भी हमारे पास डॉक्यूमेंट होते हैं उसको किस तरीके से हम PDF में कन्वर्ट करते हैं, एकदम मात्र ईजिली आप 5 सेकेंड में ऑनलाइन कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है कि किस तरीके से वर्ड को PDF में कन्वर्ट करते हैं, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। तो गाइज मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को हमारे द्वारा बताई गई जानकारी यूजफुल लगी होगी। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो और आपको हेल्प मिली हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। इस वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।